नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान है जिसने कभी जीवन में धोखा नहीं खाया है। कभी ना कभी किसी न किसी समय किसी न किसी व्यक्ति से सभी लोगों ने धोखा खाया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि धोखेबाज इंसान को आप कैसे पहचान सकते हो। धोखेबाज इंसान को पहचानने के मैं आपको 10 लक्षण बताऊंगा। उन 10 लक्षणों के थ्रू आप किसी भी धोखेबाज इंसान को आसानी से पहचान जाओगे। अगर आपने मेरे द्वारा बताए हुए जो लक्षण हैं अगर उनको सामने वाले व्यक्ति पर अजमाया तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि वो धोखेबाज है या सच्चा इंसान है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि आप हर इंसान को गलत ना समझें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान धोखेबाज होता है, लेकिन अगर आप अपनी आँख खुली रखेंगे तो उनको बहुत आसानी से पहचान सकोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो धोखेबाज इंसान का जो पहली निशानी है या पहला लक्षण है वो ये है कि ऐसे लोग कसमें बहुत खाते हैं, यानी अपने आप को सच साबित करने के लिए हर बात पे कसम खाएंगे। अगर आप नहीं भी बोलोगे उनसे कसम खाने की तो भी वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कसमें खाने लगते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बार बार किसी न किसी हर किसी छोटी छोटी बात पे कसमें खाने लगे तो समझ जाइए कि कहीं दाल में काला है। दूसरा सबसे बड़ा जो लक्षण है वो ये है, ऐसे लोग अपने आप को अजमाने के लिए आपसे अनुरोध करेंगे, आपसे कहेंगे कि आप मुझे अजमा के देखिए एक बार। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं से गलत हूँ तो आप मुझे अजमा के देख लीजिए। तो जब किसी कोई इंसान बार बार किसी बातों पे अगर आपसे बोले कि मुझे अजमा के देख लीजिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उस समय आप सावधानी रखें। तीसरा लक्षण है कि ऐसे लोग जो हैं बार बार अपनी बात को बदलते हैं, यानी आज किसी बात को लेकर उन्होंने कोई बात कही लेकिन सेकंड डे या नेक्स्ट टाइम जब भी वो बात निकली किसी और तरीके से बात कहेंगे या बात को बदल देंगे। जैसे सपोज करिए कि उन्होंने कहा कि ये घड़ी जो है मैंने 1000 रुपये की खरीदी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम किसी टाइम बात उस घड़ी का निकलेगा तो हो सकता है वो बता दे कि ये मेरी 1200 में खरीदी। इसका मतलब ये कि हर बार वो जब कोई भी बात करेंगे, तो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन वो हर किसी बात में अपनी पिछली बात को बदल देंगे। तो जब ऐसा होने लगे तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात, चौथा नंबर का जो लक्षण है वो ये है कि वो अपनी जो पर्सनल बातें हैं या अपने से संबंधित जो बातें हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे। आपसे सारी बात सुन लेंगे, आपसे सारी बात निकलवा लेंगे, आपकी सारी जो प्राइवेसी है वो पूरी जान लेंगे आपसे, लेकिन अपनी कोई भी प्राइवेसी या अपनी कोई भी गुप्त बातें जो है या उनसे संबंधित जो बातें वो आपको कभी नहीं बताएंगे। जो असली धोखेबाज इंसान होगा वो आपकी परवाह बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, वो परवाह करने की एक्टिंग जरूर करेगा, आपकी कितनी केयर करता हूँ केयरिंग आपको दिखाएगा, लेकिन असल में वो केयरिंग होगा नहीं। धोखेबाज जो इंसान होगा वो आपके सामने आपकी प्रशंसा हमेशा करेगा और जितनी हो आप उससे ज़्यादा प्रशंसा करेगा, यानी कि आप जिसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, इस प्रकार हर बात में हर चीज़ में वो आपकी प्रशंसा करेगा। लेकिन ये प्रशंसा सिर्फ आपके सामने ही की जाएगी, आपके पीठ पीछे ना तो वो आपकी प्रशंसा करेगा और ना ही वो आपको किसी प्रकार की अहमियत देगा, ना तो प्रशंसा करेगा और ना ही अहमियत देगा। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, अगला जो निशानी है उनकी सातवीं निशानी, कि ऐसे लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। वो कहते कुछ है करते कुछ है और करते कुछ है कहते कुछ है। मतलब वो आपसे कहेंगे कुछ ऐसी प्रकार की बातें लेकिन वो एक्चुअल में वो करते नहीं होंगे, और जो बातें वो करते होंगे वो आपसे कभी कहेंगे नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो उनकी कथनी और करनी में अंतर आपको समझना है। और एक बहुत बड़ी बात जो धोखेबाज इंसानों में होती है, वो अपने आप को बहुत बिजी बताएंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनके लिए हमेशा तत्पर रहें या आप उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहें। मतलब आप कभी फ़ोन लगाएं तो तुरंत आपके पास उसका जवाब आना चाहिए। मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को फ़ोन लगाया है तो तुरंत ये फ़ोन को अटेंड करे, या मैंने कोई मैसेज किया तो तुरंत मुझे रिप्लाई करे। लेकिन खुद की जब बारी आएगी तो यार मैं इस काम में उलझा था या मीटिंग में था या कुछ भी इस प्रकार के बहाने बनाना, यानी कि खुद को बिजी बताना लेकिन सामने वाले का इससे ये उम्मीद करना कि वो हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहे। ऐसे लोग यानी कि जो धोखेबाज लोग होते हैं वो आपके साथ तब तक ही रहते हैं जब तक कि उनका कोई काम अटका हुआ होता है या उनको आपसे कोई मतलब होता है या उनको कोई काम करवाना होता है, तब तक ही वो आपके साथ रहते हैं। इसके बाद वो आपकी तरफ झांकते भी नहीं है, यानी आप उनके लिए ख़त्म हो जाते हो, आप उनके लिए कोई काम के नहीं रहते हो। और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी में मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ,
कि जो 10वां लक्षण उनका होता है, और मैं उसको एक मुहावरे के थ्रू बता रहा हूँ कि अति भक्ति चोर का लक्षण। अति भक्ति चोर का लक्षण मतलब अगर कोई इंसान जरूरत से ज़्यादा आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है किसी भी तरीके से, इसका मतलब उसके मन में मेल है, उसके मन में धोखा देने की जो फितरत है वो उत्पन्न हो रही है, या वो आपको धोखा देने वाला है या धोखा देने वाली है। इसका मतलब मैं किसी जेंडर से संबंधित नहीं है, ये तो एक जनरली बात आपको बता रहा हूँ। तो अगर कोई इंसान जरूरत से ज़्यादा आपको तरजीह देने लगे, जरूरत से ज़्यादा आपकी केयर करने लगे, जब जरूरत से ज़्यादा आपकी प्रशंसा करने लगे, जरूरत से ज़्यादा आपको टाइम देने लगे, हर किसी बात पे, यानी हर बात में अगर वो जरूरत से ज़्यादा आपको पूछने लग रहे हैं, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो धोखा देने वाले हैं। तो इस बातों से आपको सावधान रहना है। तो आज मैंने आपको 10 लक्षण बताए हैं कि किस तरह से आप किसी धोखेबाज इंसान को पहचान सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही लक्षण है, इसके अलावा कोई लक्षण नहीं हो सकते। मेरे देखने में या मेरे नॉलेज में जो लक्षण आए वो मैंने आपको बता दिए, हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हों। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आपको हर इंसान पर शक नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि जो बेचारा सही इंसान है उसके ऊपर भी आप शक करने लगो, लेकिन किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है। तो चलिए, इस वीडियो में आपने जाना कि धोखेबाज इंसान का 10 लक्षण कौन से, किस लक्षणों के थ्रू या किस सिम्टम्स के थ्रू आप किसी धोखेबाज इंसान को पहचान सकते हो। हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे कि धोखेबाज इंसानों से कैसे बचा जा सकता है। हमने ये तो पहचान लिया कि पर्टिकुलर इंसान धोखेबाज है, लेकिन उनसे कैसे बच सकते हैं इसकी चर्चा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा और आप रहिए खुश। जय हिंद।